साहिब बंदगी साहिब बने। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। ये सर चरणों में झुकना चाहिए, झुकना सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। अगले वर्ष आपके क्षेत्र में फिर आना है मुझे, बूचाखेड़ी में। मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनना, असंग सर्च कर देना। रात में आस्था भजन चैनल टीवी में 9 बजे और 8:20 पर कभी कभी आता है, उसको भी सुनना। अब वो पे चैनल हो चुका है और तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। जब आत्मा परम पवित्रता को प्राप्त होता है तो यही परमात्मा कहलाता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मंद आलसा वाच मुआच पुत्रम। शरीर की मृत्यु होती है परंतु तुम्हारी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। परंतु इस शरीर के द्वारा जो तुम्हारी आत्मा कर्म करती है, वो कर्म के संस्कार, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, सत कर्म हो या दुष्कर्म हो, वो संस्कार इस आत्मा के साथ में सूक्ष्म रूप से जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म होता है। तुम जहां जन्म लेना चाहो वहां जन्म ले सकते हो, यह सब तुम्हारे हाथ में। जैसी जगह जन्म लेना चाहो वैसा ही यहां संस्कार बनाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे हाथ में पत्थर का टुकड़ा है, तुम 10 फीट दूरी पर फेंकना चाहो तो 10 फीट पर फेंक सकते हो, 20 फीट दूरी पर फेंकना चाहो तो 20 फीट पर फेंक सकते हो, और 100 फीट पर फेंकना चाहो 100 फीट पर फेंक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में। अपनी आत्मा को जहां जन्म दिलाना चाहो वहां तुम जन्म दिला सकते हो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ये सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में। इसलिए संभल संभल करके कर्म करो। कर्म संस्कारों का खेल है, भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भाग्य तुम्हारे कर्म ही निर्माण करते हैं। तुम्हारे स्वभाव से भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बनता है, चरित्र से भाग्य बनता है, तुम्हारी वाणी से भाग्य बनता है। यदि वाणी को तुमने परिष्कृत कर लिया है तो भाग्य का सितारा चमकेगा तुम्हारा। आज इतने नेता हैं तुम्हारे देश के अंदर, सबसे अच्छा वक्ता कौन है बता सकते हैं आप? नरेंद्र मोदी तो कौन बनाओ? प्रधानमंत्री। वाणी 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 यदि परिष्कृत कर लिया आपने, वाणी को सुधार लिया, वाणी को संवार लिया, वाणी को संभाल लिया, वाणी को सही कर लिया, तो ये तुम्हारी वाणी तुमको टॉप डिग्री पर पहुंचा देगी। इसलिए वाणी को संभालो, गालियां ना दिया करो, बकवास ना किया करो, निंदा बुराई में अपनी वाणी को दूषित मत किया करो। और स्वभाव स्वभाव सुंदर स्वभाव, स्वभाव से भी भाग्य का निर्माण होता है। इतने नेता हैं, सबसे सुंदर स्वभाव का नेता यदि कोई है तो मनमोहन सिंह, बड़ा शांत स्वभाव, सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव। मनमोहन मन को मोह लेता है, बोलता कुछ नहीं पर 10 साल प्रधानमंत्री बनकर ठाट से बैठा रहता है। ये कैसे प्रधानमंत्री बने? सुंदर स्वभाव से, सुंदर स्वभाव वहां तक पहुंचा दिया। आपका भी सुंदर स्वभाव बनना चाहिए और चरित्र आपका सुंदर हो।
आज जो आपका राष्ट्रपति है ना, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर चरित्रकार है। वो कभी गुस्सा में आते ही नहीं। उनके बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद ने मेरा प्रवचन करवाया पिछले साल 18 जनवरी को गुना में, तो बता रहे थे मेरे भाई साहब में एक गुण है, उनको कोई गाली दे दे तो भी उसको जवाब फिर नहीं देते, कोई उनको कुछ बोल दे चुपचाप सह लेते। आज इतना, और बोले चरित्र में बहुत अच्छे, चरित्र उनको राष्ट्रपति बना देता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप राष्ट्रपति बनो ना बनो, लेकिन अपने पत्नी के अच्छे पति बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। आप सभी का जीवन मंगल में हो। और यहां जो छूटने वाली चीजें हैं, इनकी चिंता अनावश्यक मत करिए, ये सब नाशवान है। मकान भी मिटने वाला है, गाड़ी भी मिटने वाली है, शरीर भी मिटने वाला है, ये सब नाशवान है संसार। इस नाशवान संसार में इतनी टेंशन लेकर के मत जियो। जो तुम बनाओगे उसमें से कुछ तो तुम्हारे सामने ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और तुम कितना ही संभालोगे फिर भी बिखरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो हो रहा है, गीता सार कृष्ण ने लिखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा हो चुका है, ऐसा मान करके जीना। बीरबल अकबर बादशाह के पास में बैठे थे, अकबर बादशाह सेव फल काट रहे थे अपनी बीबी को खिलाने के लिए। जो लोग अपनी बीबी से ज्यादा प्रेम करते ना, तो बीबी के लिए नाश्ता तैयार करते हैं और बीबी की साड़ी धोते हैं कि ले खुश हो जा, क्या बात। तो अकबर बादशाह सेव फल काट रहे थे, बीरबल ने कहा कि अरे बादशाह आप क्यों काट रहे, इतने कर्मचारी है, इतना ये है वो है, सब काट देंगे तुम्हारे। बोले नहीं चुप, मैं अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए अपने आप काट कर खिला दूंगा। कभी सेव काटा नहीं था, अपना अंगूठा कट गया, खून आ गया। बोले बीरबल मेरा तो अंगूठा कट गया। बोले अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। अकबर को गुस्सा आ गई, बोले इसको जेल में डाल दो, मेरा अंगूठा कटा ही, बोलता अच्छा हुआ तो जेल में डाला। बोले ये भी अच्छा हुआ, जेल में भी ठीक है, ये भी अच्छा हुआ। अकबर बादशाह जंगल में घूमने के लिए गए, वहां जंगलवासी जो कबीला बनाकर रहते थे, उन्होंने उनका नियम था, कोई देवी की पूजा चल रही थी, कोई वन देवी को मानते थे, तो उसमें कढ़ाई में तेल खौला रहे थे कि इसमें जिंदा आदमी एक डालना है, उसकी बलि चढ़ाना है। तो अकबर मिल गया हट्टा कट्टा, बोले इसी को चढ़ा देते। तो जब देखा अकबर का कहीं खंडित तो नहीं देखा, अंगूठा कटा है, अरे बोले ये खंडित हो चुका है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। तो अकबर को याद आया कि बीरबल ने कहा था अंगूठा कट गया ये भी अच्छा हुआ, अगर अंगूठा ना कटा होता अच्छा ना होता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, बहुत अच्छा हुआ। अकबर बादशाह लौट करके जब घर आया, तुरंत बीरबल को जेल से निकलवा कर मंगाया। बोले बीरबल तूने मेरा अंगूठा कटा तो बोला कि अच्छा हुआ, वास्तव में अच्छा हुआ, क्योंकि वे जंगल में रहने वाले कबीला बनाकर जो जंगलवासी हैं वे वन देवी की पूजा कर रहे थे, कड़ा में तेल खौला रहे थे, मुझको बलि के लिए उसमें डालने जा रहे थे, अंगूठा कटा हुआ देखा तो बोले तो खंडित आदमी है, इसकी बलि नहीं हो सकती, तो छोड़ दिया, वो अच्छा हुआ। लेकिन मैंने तेरे को जेल में डाल दिया था, उसमें क्या अच्छा हुआ, उसको भी तू बोल रहा था अच्छा हुआ। बोले वो ये अच्छा हुआ कि अगर मुझे तू जेल में न डालता और साथ में ले जाता तो तेरी बलि नहीं होती तो मेरी हो जाती बलि, वो भी अच्छा हुआ। ऐसे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा मानकर उसको स्वीकार कर लेना, ज्यादा टेंशन वंशन मत लेना, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। आत्मा अजर और अविनाशी है, अच्छा करो, अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सबके साथ व्यवहार करो, और अच्छी जिंदगी जी करके देश दुनिया में खुशबू फैला करके संसार में अच्छी तरह से मर करके चले जाओ। दिवसे नयो तत्कुरियात एन रात्रो सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुरियात एन वर्षा सुखम बसेत, पूर्वे वयस तत्कुरियात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुरियात एन प्रेत्य सुखम बसेत।
विदुर जी कहते हैं, दिन में वह काम करो जिससे रात को सुख से सो सको, 8 महीने में वह सब काम पूरे कर डालो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको, और बचपन जवानी में वो काम कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको, और जिंदगी